जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश नारायण है और मैं आप लोग के लिए शिक्षा प्रद वीडियो लाता रहता हूं, जिससे आप लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान हो सके। आज हम आपके लिए बहुत ही रहस्यमय और रोमांच भरी आपका समास का एक विषय लेके आए हैं, समास का एक ट्रिक लेके आए हैं, जिसमें हमने कोशिश किया है कि बहुत अच्छे ढंग से आपको समास को समझा सकूं। समास एक ऐसा हिंदी का सब्जेक्ट है जिसमें से कि आदमी उलझ कर रह जाता है। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा है, पर आप एक बार पूरा देख लीजिएगा ना, तो पूरी तरह से आप समझ लीजिएगा। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और बहुत अच्छी तरह से देखिएगा इस वीडियो को, समझ गए ना। तो चलते हैं विषय की ओर, आप देखते हैं आज हमारा जो टॉपिक है समास पर है। किस चीज पर है? टॉपिक समास पर है। तो समास की परिभाषा सबसे पहले जानेंगे कि समास कहते किसको है, समास किसको कहते हैं। तो हमने समास की परिभाषा दिया है कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर क्या करते हैं? तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं। और तीसरा शब्द जो होता है हमारा क्या कहलाता है? समास कहलाता है, है ना। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर तीसरे शब्द का जो निर्माण करते हैं वह क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास जो है संक्षेपण रूप होता है। समास क्या होता है? संक्षेपण रूप होता है, उसको संक्षिप्त रूप में लिखा करते हैं। समास में क्या करते हैं? संक्षिप्त रूप में लिखा करते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। हमने हर एक पॉइंट को तोड़ जोड़ इसलिए किया है कि आप पूरी तरह से जान जाइए कि समास क्या है, है ना। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। समास क्या होता है? दो पद। समास में दो पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद होता है। एक पूर्व पद होता है और दूसरा क्या होता है? उत्तर पद। पूर्व पद को पहला पद कहते हैं और उत्तर पद को क्या कहते हैं? दूसरा पद, बाद वाली पद, है ना। इसमें दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। यहाँ समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद पहला पद को कहते हैं और उत्तर पद दूसरा पद को कहते हैं। और समास के छह भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? छह भेद होते हैं। समास के छह भेद कौन होते हैं? समास के छह भेद होते हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास, है ना। समास के छह भेद कौन कौन हो गया? द्वंद्व समास हो गया, द्विगु समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया, है ना। समास के जो आपको छह भेद बतलाए हैं उसमें कौन कौन हो गया जी? आपका द्वंद्व समास हो गया। कौन हो गया बाबू? द्वंद्व समास हो गया पहला, दूसरा द्विगु समास हो गया, तीसरा तत्पुरुष समास हो गया, चौथा कर्म धराय समास हो गया, पांचवा अव्ययी भाव समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। तो इसको याद करने के लिए हमने एक अधिक फॉर्मूला तैयार किया है। वो क्या किए हैं कि यहाँ देखिए, छोटा सा रूप में हम लिख दिए हैं कि समास ने द्वंद्व युद्ध करते हुए, समास ने द्वंद युद्ध करते हुए दिग्गु संपन्न तत्पर रहकर, क्या रहकर? दिग्गु संपन्न तत्पर रहकर कर्म को धारण करने वाला अव्ययी को भाव देकर बहुत वीरही किया, वह समास कहलाया। क्या किया? बहुवीरही किया है, वह समास कहलाया। कहने का मतलब कि समास द्वंद्व करता हुआ द्विगुण संपन्न है और तत्पर रहकर पुरुष के साथ कर्म धारण कर अव्ययी भाव कर बहुव्रीहि समास कहलाया। बहु क्या कहलाया? बहुव्रीहि समास कहलाया। तो आपको अगर ये समझ में नहीं आता है तो इस तरह से याद कर लीजिए, द्वंद समास दुध करता हुआ दिग्गु समास द्विगुण संपन्न, तत्पुरुष समास तत्पर रहने वाला पुरुष, कर्म धराय समास कर्म को धारण करने वाला समास, अव्ययी भाव समास जिसके आगे अव्ययी का भाव प्रकट हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, और बहुव्रीहि समास जिसमें बहुव्रीहि हो, है ना। इस तरह से याद कर लीजिए। और अब हम आपको द्विंद समास के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। इसमें जो आपका द्वंद समास है, जो द्वंद नाम से प्रसिद्ध है, तो इसको समझिएगा, अगर बढ़िया से समझिएगा ना तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। द्वंद मतलब क्या होता है? होड़, स्पर्धा। द्वंद युद्ध मतलब एक दूसरा के सभ्य, मतलब कि कोई पीछे हटने वाला नहीं है, मतलब नहला पर दहला है, नहला पर दहला, कोई किसी से कम नहीं है।
एक दूसरा के प्रति होड़ लगाए हुए है, एक दूसरा के प्रति स्पर्धा जगा रहा है कि हम किसी से कम नहीं है। तो द्वंद समास जो होता है कि इसका पहला या और पिछला दोनों पद समान होता है। इसमें क्या होता है, द्वंद समास में पहला या और पिछला पद दोनों क्या होता है, समान होता है। कहने का मतलब हुआ कि जब द्वंद युद्ध होगा तो द्वंद युद्ध कैसे होगा, जब दोनों टक्कर का रहेगा तब ना द्वंद युद्ध होगा जी, और जो टक्कर का नहीं रहेगा तो द्वंद युद्ध कैसे होगा। अगर किसी क्षेत्र में कोई प्रतियोगिता होती है तो प्रतियोगिता में कौन भाग लेता है, वही जो उस विषय के रुचि होता है, जो उसमें रुचि दिखाता है। तो यहाँ द्वंद, द्वंद जो है, द्वंद मतलब क्या हुआ, स्पर्धा हुआ है ना, द्वंद मतलब क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा हुआ, और क्या हुआ, जो होड़ लगा हुआ है, उमंग है, किसी चीज का उत्साह है ना। तो इसमें जो बता रहा है कि जिस पद का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान है, तो इसमें कहने का मतलब हुआ कि दोनों पद एक दूसरा से भारी पड़ रहा है, कोई पद किसी से पीछे नहीं है, पहला पद हो या पिछला पद हो दोनों एक दूसरा से ऊंचा है, पहला पद दूसरा से ऊंचा है तो दूसरा पद पहला से ऊंचा, दोनों पद प्रधान है, कोई पद प्रधान इसमें कहेगा नहीं है तो नहीं, दोनों पद प्रधान है। तो जिसका दोनों पद प्रधान हो, मतलब कहने का मतलब जिस पद का पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान हो, वो क्या कहलाता है, द्वंद समास कहलाता है। क्या कहलाता है जी, द्वंद समास कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि द्वंद समास किसको कहते हैं, तो बता दीजिएगा कि जिसका पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान हो, जिसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो, उसे द्वंद समास कहते हैं। एकदम इजी सा। अब आगे देखिए, इसमें एक पद दूसरे पद का विलोम होता है। क्या होता है, एक पद दूसरे पद का विलोम होता है, एक गुण वाला नहीं रहेगा, दो सौ दोनों रहेगा तब ना टक्कर होगा कि नहीं, ये उत्तर से आ रहा तो ये दक्षिण से आ रहा, वो उत्तर की ओर उतना दूर जा रहा तो ये दक्षिण की ओर उतना दूर जा रहा है ना। तो इस तरह से एक दूसरा का क्या है, एक दूसरा का विलोम है, एक दूसरा का क्या है, विलोम है, उल्टा होना चाहिए। अगर वही संयोजक दिया हुआ रहे, संयोजक किसको कहते हैं, संयोजक चिन्ह दिया हुआ आपका, ये ध्यान दिया दीजिएगा, इस तरह से दिया हुआ रहे और एक दूसरा का विलोम रहे, अगर दूसरा एक दूसरा का विलोम रहे, इसका उल्टा ये रहे, तब आप कहिएगा कि द्वंद समास है। क्या कहिएगा, द्वंद समास है। अगर एक दूसरा का उल्टा नहीं रहे तो वह द्वंद समास नहीं होगा, कौन सा समास होगा वह हम आपको आगे बताएंगे। तो इसमें एक दूसरा का क्या होना चाहिए, विलोम होना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ, इसमें एक पद दूसरे पद का विलोम होना चाहिए, जल वायु, जल और वायु, जल के विलोम वायु, अपना पराया, अपना का उल्टा पराया, भूख प्यास, भूख के उल्टा प्यास, भाई बहन, भाई के उल्टा बहन, हंसना के उल्टा रोना है ना, दिन रात, दिन के उल्टा रात है ना, और क्या चीज है, इस तरह से बहुत सा आपको बन जाएगा। तो जल वायु, जल और वायु, अपना पराया, अपना या पराया, भूख प्यास, भूख और प्यास, भाई बहन, भाई और बहन, हंसना रोना, हंसना या रोना। तो इसमें दो चीज सामने आता है, विग्रह करने पर, इसको तोड़ने पर दो चीज सामने आता है, क्या, या और है ना, या अथवा और। तो जहां या अथवा और आ जाए विग्रह करने पर, किस, देखिए समास में तभी जानिएगा जब पूरा तोड़ना जाइएगा, किसी भी शब्द को तोड़ दीजिए समास आपका बन जाएगा, नहीं तोड़िएगा नहीं जबर नहीं बनेगा, उसको जबरदस्ती तोड़िए नहीं टूटता, फिर भी तोड़िए। अगर जलवायु रहे तो इसको तोड़ दीजिए, जल वायु, जल और वायु, और का इसमें इंडिकेट कर रहा, आंख मुन के कह दीजिए कि द्वंद समास है। अपना पराया, अपना या पराया, आंख मुन के कह दीजिए ये एक दूसरा का विलोम है, कह दीजिए कि यह द्वंद समास है। भूख है या प्यास, भूख और प्यास, किसी को लगा हुआ तो भूख और प्यास दोनों लगा हुआ है, तो क्या है, भूख और प्यास एक दूसरा का विलोम है, तो ये भी द्वंद समास है। और एक दूसरा से होड़ लगा हुआ है, एक दूसरा से कोई पाछे नहीं है, कोई अपना है तो कोई पराये है, कोई जल है तो कोई वायु ही है, कोई भूख है तो कोई प्यास है, कोई भाई है तो कोई बहन है, कोई हंसता है तो कोई रोता है, कोई किसी से कम नहीं सोता है। तो यहाँ क्या हो गया, एक दूसरा का क्या है, विलोम है। दोस्तों इसको पूरा आप समझिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए, अगर आपको पसंद पड़ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और पूरा मन लगा के
इस वीडियो को देखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो वेलकम है, इस वीडियो को पूरा ढंग से देखते रहिए और आगे चलिए। अब हम चलते हैं दिग्गु द्वंद समास को आपने जान लिया, दिग्गु समास के बारे में जानते हैं कि दिग्गु किसको कहते हैं। तो दिग्गु का मतलब होता है द्वि गुण वाला, दिग्गु का मतलब क्या होता है द्वि गुण वाला, द्वंद का मतलब हुआ क्या, एक दूसरे का क्या हुआ, एक दूसरे का होड़ लगाने वाला, एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला, एक दूसरे के साथ युद्ध करने वाला, एक दूसरे के साथ जंग करने वाला, ये क्या हुआ द्वंद, द्वंद युद्ध, द्वंद युद्ध से याद रखिएगा द्वंद समास। दिग्गु समास द्वि गुण वाला, क्या द्वि गुण वाला मतलब जितना भी गुण है सबको संग्रह किया या सबको समावेश करना, जितने भी गुण है उसको क्या करना, समावेश कर लेना, संग्रह कर लेना, क्या कहलाता है द्वि गुण कहलाता है समास। द्वि गुण क्या है जिसके बारे में चलिए अब जानते हैं दिग्गु समास। तो दिग्गु समास किसको कहते हैं, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, जिसका पहला पद क्या हो संख्यावाचक हो और दूसरा पद क्या हो संज्ञा हो, याद रखिएगा, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो मतलब उसका गिनती हो और दूसरा पद संज्ञा हो, दूसरा पद क्या हो संज्ञा हो, वह क्या कहलाता है दिग्गु समास कहलाता है। जिसमें समूह अथवा समाहार का बोध हो, जिसमें समूह अथवा समाहार का बोध हो। अब आप कहिएगा सर जी समूह किसको कहते हैं समाहार किसको कहते हैं, तो इसका भी मैंने तोड़ जोड़ आपको इसी में कर दिया है। समूह का मतलब होता है जिसमें संग्रह किया जाता है, जिसको एकत्रित किया जाता है और मिल करके एक हो जाता है ना, जिस चीज को मिला करके एक बना दिया जाए और वो एक दूसरा का मिलावट हो जाए, जिसको मिलावट कहते हैं उसको क्या बोलते हैं संग्रह। संग्रह मतलब सम्मिलन हो गया, संग्रह मतलब क्या हो गया सम्मिलन, सम्मिलन का मतलब हो गया सब मिलके मिलना, सब जितने भी हैं सब मिल गए उसमें, उसको सम्मिलन कहते हैं। और समाहार मतलब क्या हुआ, समाहार मतलब हुआ समेटना, जमा करना, जैसे पांच लड़के हैं पांच जगह उसको समेट करके एक जगह एकत्रित कर दिए तो वह पांचों लड़का का समूह हो गया है ना, आदमी का समूह समाहार हो गया। उसी मतलब एक जगह सबको एकत्रित करना मतलब जमा एक जगह रखना और उसको एक नया नाम देना समाहार कहलाता है ना। सम्मिलन करना, सम्मिलन जो हो गया वो आपका समूह हो गया, और एक जगह एकत्रित करना एक जगह जमा करना समाहार हो गया। समूह और समाहार में आपको समझ में आ गया ना, समूह किसको कहते हैं, समूह का मतलब हुआ सबको मिला देना, समूह का मतलब क्या हुआ सबको मिला देना, और समाहार का मतलब क्या हुआ सबको जमा करके एक नया नाम देना है ना, ये समाहार कहलाया। तो चलिए इसका कुछ उदाहरण देकर हम आपको समझाते हैं। द्विगुण का समास का नवग्रह, इसमें देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है बाबू, इसको तोड़िए, क्या बताया था आपको, तोड़ना बहुत जरूरी है, जब तक तोड़िएगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। नवग्रह को जब तोड़िएगा तो क्या होगा, नव अजोड़ ग्रह, क्या होगा नव अजोड़ ग्रह, तो इसमें क्या आ जाता है नव आ जाता है संख्या, और ग्रह जो हो गया ग्रह हो गया, तो नव ग्रह जो हो गया आपको क्या हो गया नव ग्रहों का समूह हो गया, ये नव ग्रहों का क्या हो गया समूह हो गया। नव वो ग्रह है, नव वो ग्रह है उसको एक साथ मिला दिया गया तो क्या हो गया नव ग्रहों का समूह हो गया, उसको नोवो को फेंट दिया गया तो नव ग्रहों का समूह हो गया है ना। उसी तरह त्रिवेणी, त्रिवेणी मतलब हुआ तीन बेनियों का समूह, तीन बेनियों का समूह, तीन रास्ताओं का संगम, तीन तीन नदी का प्रवाह हो रहा है उसको तीन रास्तों को मिलाना तीन बेनियों का समूह कहलाता है। तो तीन नदी जहां तहां नदी को मिला के एक रास्ता बना दिया गया, सबको एकत्रित मिला दिया गया, उसको क्या बोलते हैं त्रिवेणी बोलते हैं। और त्रिफला तीन फल को मिलाना, तीन फलों को मिलाना, तीन फल को एक साथ मिला दिए तो क्या हो गया त्रिफला हो गया। ये तो हमने समूह को बारे में जान लिया, अब कुछ उदाहरण हम आपको देते हैं समाहार के बारे में। तो त्रिलोकी, इसमें तीनों लोक को क्या कर दिया गया, तीनों लोक को एक साथ मिला करके उसका नया नाम दिया गया त्रिलोकी, तीनों लोकों को एक साथ मिला करके, एक लोक आकाश लोक पाताल लोक है ना, ऐसा मानते हैं कि आकाश लोक पाताल लोक और धरती लोक तीन लोक है और तीनों का नाम अलग अलग है, पर तीनों को जब हम मिला दिए तो क्या हो गया त्रिलोकी। और त्रिलोकी जो हो गया जो तीनों लोकों को मिलने से बना, उसको क्या हुआ तीनों लोकों को मिलने से बना, तो तीनों नाम को एक जगह जब हम कर दिए समाहार कर दिए तो क्या हो गया त्रिलोकी हो गया। और चतुर्वेद, वेद चार है ना,
पढ़े होंगे आप लोग, एक नंबर निरंजना द्वितीया की चांद, तीन तीनों लोक, चारों वेद पढ़े हैं ना। तो वेद चार है, चारों वेद के अलग अलग नाम है, ऋग वेद, चतुर वेद, अर्थ वेद, कौन कौन है ना। तो चार वेद जो आता है वो चारों वेद अलग अलग है, लेकिन चारों वेद को जब एक साथ मिला दिया गया तो उस चारों का नाम क्या पड़ गया, चतुर्वेद हो गया। वो चारों वेदों को मिला दिया गया और उसका नाम चतुर्वेद हो गया। उसी तरह से पंचवटी क्या है, पांच बट के वृक्ष को समाहार, पांच अलग अलग बट के वृक्ष हैं और उसको पांचों को एक साथ एकत्रित कर दिया गया तो क्या हो गया, पंचवटी हो गया। क्या हो गया, पंचवटी। तो अब आपको तो हम ये समझा दिए समूह और समाहार, अब चल के हम अब आपको समझाते हैं द्विगु समास इसमें कैसे है। तो अब यहां ध्यान दीजिए क्या है, संख्यावाचक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संख्यावाचक होना चाहिए। तो नौ ग्रह है, नौ क्या है, ग्रह है, तो नौ ग्रहों का समूह हो गया। उसको क्या कहते हैं, नौ ग्रहों का समूह को क्या कहते हैं, इसमें गिनती आ गया नौ तो संख्यावाचक हो गया। और जब यह संख्यावाचक हो गया तो द्विगुण इसमें हो गया। द्विगुण क्या हो गया कि इसमें नौ है, इसमें क्या है, नौ नौ है और ग्रह भी है, इसमें नौ ग्रह है। दो गुण बता रहा है, क्या बतला रहा, द्विगुण बतला रहा है, इसमें नौ प्रकार के ग्रह है ये चीज बतला रहा है। इसमें दो गुण है, नौ तरह के है और ग्रह है, इसमें ग्रह जो है नौ तरह के है, इसीलिए इसको नवग्रह नाम धरा गया और इसमें दोनों गुण को बतला रहा है ना, संख्या के रूप में। त्रिवेणी, यहाँ देखिए त्रिवेणी, थ्री मीन्स तीन होता है, थ्री मीन्स क्या होता है, तीन, संख्या बतला रहा है। और बेनी मीन्स बेनी, बेनी मीन्स रास्ता हो गया है ना। तो त्रिवेणी यहाँ जो आपका दोनों का गुण बतला रहा कि रास्ता जो है नदियों का रास्ता है जो तीन है, और तीनों को क्या किया गया है, समूह बनाया गया है। तो ये दोनों में गुण है ना छुपा हुआ जी, ये त्रि भी गुण है और बेनी भी गुण है, तो इसमें दो गुण, हर द्वि गुण में दो गुण वाला होता है। त्रिफला तीन फल, इसमें दो गुण बतला रहा है, फल है तो इसमें तीन फल का मिलन है, फल है तो इसमें तीन फल का मिलन है, तो इसमें संख्या का बोध कराता है और प्लस संज्ञा होता है और जो दोनों के गुण को बारे में बतलाता है, क्या करता है, दोनों को गुण के बारे में बतलाता है, वो क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, द्विगु समास कहलाता है। त्रिलोक तीन लोक, त्रिलोक तीन, संख्या का क्या चीज वर्णन आ रहा, त्रिलोक तीन लोक, तीन लोक का समाहार है इसमें। चतुर्वेद चार वेद है इसमें, कितने वेद है, चार वेद है, इसके वेद के गुण को बतला रहा है कि इसके इसमें चार वेद है, कितने वेद है, चार वेद है, तो इसके गुण के बारे में बतला रहा है ना जी कि वेद है तो कितने है, चार है, और प्लस संख्या का भी इंडिकेट कर रहा है। तो द्विगुण में संख्या का इंडिकेट कर रहा है, दो गुण इसमें है तो जहां जहां संख्या रहे और उसके गुण के बारे में बतलाया जाए। पंचवटी पांच बटी, पांच बटों का समाहार है इसमें, तो पांच जहां बटी हो वो क्या कहलाएगा, पंचवटी कहलाएगा। तो इसमें जिस भी शब्द का गुण बदलाता है और संख्या से इंडिकेट करता है, और पहला पद उसका संज्ञा होता है और दूसरा पद जो होता है, पहला पद उस संख्या होता है और दूसरा पद जो संज्ञा होता है वो आपको द्विगु समास कहलाता है। और कभी भी मत भूलिएगा इसका सबसे मेन पहचान क्या चीज है कि द्वि गुण में दोनों गुण को बतलाता है, जो आपका वस्तु है उसमें कितना मात्रा में क्या मिला हुआ है उसके बारे में पूरी तरह से संख्या के रूप में प्रस्तुत करता है। और जिसमें संख्या लगा रहे आंख मुन के लगा दीजिएगा कि वह समास क्या है, द्विगु समास है। और उसमें आपका ये पहला पद जो होता है संख्यावाचक होता है और दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है, और उसमें समूह और असमाहार का बोध होता है। समास के छह भेद में आपने द्विंद समास के बारे में पढ़ लिया, द्विगु समास के बारे में पढ़ लिया, तत्पुरुष समास में के छह भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, छह भेद होते हैं, इसका विस्तार पूर्वक हम फिर अंत में बताएंगे, इसीलिए हम कर्मधराय समास के बारे में आपको बतला रहे हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिए और पूरा ध्यान से देखिए, वीडियो को जब तक पूरा ध्यान से ना देखिएगा तब तक आगे नहीं समझ में आएगा, बहुत जटिल होता है, लेकिन समझ जाइएगा तो एकदम खीर जैसा, हलवा जैसा एकदम हो जाएगा और गट दबर निकल जाइएगा है ना। अगर आपको यह अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एकदम सही ढंग से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना दोस्तों के साथ शेयर कर सके कीजिए, अच्छा रहेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं, यहाँ आपको कर्म धराय समास किसको कहते हैं,
तो जिस समास का पहला पद विशेषण हो, जिस समास का पहला पद क्या हो, विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, कर्मधारय समास कहलाता है। दूसरा पद क्या हो, विशेष हो, और इसका क्या होता है, इसका जो दूसरा पद होता है वो आपका क्या होता है, प्रधान होता है। इसमें कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है, याद रखिएगा। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद की प्रधानता दी जाती है, याद रखिएगा। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण हो, पहला पद क्या हो, विशेषण हो और दूसरा पद प्रधान हो, पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद प्रधान हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं, याद कर लीजिए। अब चलिए कर्मधारय समास में आप क्या जानते हैं, उसमें व्यक्ति वस्तु की इत्यादि की विशेषता बतलाई जाती है। क्या बतलाती है, विशेषता, उसके गुण को प्रकट किया जाता है ना। वह है तो कैसा है, उसका रंग है तो क्या है, उसका गुण है तो क्या है, उसका स्वभाव है तो क्या, उसकी विशेषता को बतलाया जाता है। वह जो संज्ञा होता है उसकी विशेषता को प्रकट किया जाता है, और उसका विशेषता प्रकट करना ही क्या कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। क्या कहलाता है जी, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में किसी वस्तु की विशेषता को बतलाया जाता है। कर्मधारय समास में जो संज्ञा होता है उसके गुण स्वभाव रंग रूप इत्यादि के बारे में बतलाया जाता है। ये पूरी तरह से याद कर लीजिए आप लोग, कभी ना भुलाइएगा। कर्मधारय समूह में क्या होता है कि कर्मधारय समूह जो होता है आपको किस चीज का रहता है, तो कर्मधारय समूह जो आपका है पहला पद विशेषण है और उसमें क्या चीज होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, और क्या होता है, और उसका जो दूसरा पद होता है विशेष होता है, और इसमें किसी व्यक्ति वस्तु इत्यादि की विशेषता बतलाती है। क्या करती है, इसमें किसी व्यक्ति वस्तु इत्यादि की क्या बतलाती है, विशेषता बतलाती है। इसमें शब्द किस चीज, ये शब्द गुप्त रहता है, उसमें ये शब्द क्या रहता है, अलोप रहता है, जो के समान रूपी है ना, ये सब जो होता है उसमें रहता है, अलोप रहता है। तो देखिए इसमें द्वितीय शब्द पर प्रधान चंद्रमुख हो गया, क्या हो गया, चंद्रमुख। अब यहां देखिए चंद्रमा के समान मुख वाला, चंद्रमुख का मतलब क्या हुआ, चंद्रमा के समान मुख वाला। नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, उसको क्या कहते हैं, नील कमल। नील कंठ, नीला है जिसका कंठ, नील नीला है जिसका कंठ, या नील है जो कंठ, जो भी आपका इच्छा लिख सकते हैं, है ना। महाराजा, महाराज है जो राजा, महाराज है जो राजा, तो है जो, है जो, है जो, ये सिर्फ का आ रहा ना, के समान महाराज के समान के भी आ रहा है ना। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला है ना, चंद्रमा के समान मुख वाला। तो इस तरह से आपने देख लिया कि इसमें है जो अके समान क्या चीज है, छुपा हुआ है, ये क्या चीज छुपा हुआ रहता है, और इसमें क्या चीज किया जाता है, गौर से देखिएगा। अब हम आपको बहुत अच्छा ट्रिक सिखाने जा रहा है, इसमें जो बतला रहा है कि द्वितीय प्रधान होता है, तो द्वितीय पद प्रधान होता है वो कैसे हम जानेंगे, तो यहां देखिए इसमें गौर कीजिएगा। चंद्रमुख क्या है, चंद्रमुख, पहला पद क्या हुआ, चंद्र, और दूसरा पद क्या हुआ जी, मुख। चंद्र मीन्स क्या होता है, चंद्रमा, चंद्र मीन्स क्या होता है, चंद्रमा, और मुख मीन्स क्या होता है, चेहरा, है ना। तो चंद्रमा के समान मुख वाला, चंद्रमा के समान मुख वाला क्या हुआ, क्या हुआ, चंद्रमुख हो गया। तो इसमें विशेषता क्या बतला रहा है, मुख वाला, विशेषता क्या बतला रहा, मुख वाला। तो इसमें मुख क्या हो गया, प्रधान हो गया, क्या हो गया मुख जी, प्रधान हो गया। नील कमल, नीला है जो कमल, तो नीला, इसमें नील क्या हो गया, नील जो हो गया प्रथम पद हो गया, और उत्तर पद क्या हो गया, कमल हो गया, और उत्तर पद जो होता है द्वितीय पद कहलाता है, और तो इसमें द्वितीय पद कमल है, द्वितीय पद क्या है, कमल है। तो कमल की क्या बतला रहा है जी, विशेषता बतला रहा कि नीला है, कमल की क्या बतला रहा, विशेषता बतला रहा कि नीला है, मुख की क्या बतला रहा,
विशेषता बतला रहा है कि चंद्रमा के समान मुख है ना, तो मुख पद इसमें क्या हो गया, कमल हो गया, और कमल जो हो गया ये द्वितीय पद हो गया, कमल हो गया द्वितीय पद हो गया। एकदम बारीकी से समझिएगा दोस्तों, यहाँ नील कमल है, क्या है, नील कमल, नीलकंठ, सॉरी नीलकंठ, तो नील जो हो गया एक पद हो गया, और कंठ जो हो गया दूसरा पद हो गया, कंठ जो हो गया क्या हो गया, दूसरा पद हो गया। अब क्या कह रहा है, नीला है जो कंठ, तो कंठ हमारा जो कंठ है क्या है, नीला है, क्या है, नीला है, तो किसके विशेषता बतला रहा है, किसका विशेषता बतला रहा है जी, कंठ का विशेषता बतला रहा। तो इसमें प्रधान कौन हुआ, कंठ हुआ, महाराजा, महान है जो राजा, इसमें किसकी विशेषता बतला रहा, राजा की विशेषता बतला रहा। जब राजा की विशेषता बतला रहा तो इसमें प्रधान कौन हुआ जी, दूसरा पद प्रधान हुआ। तो जो पद प्रधान होता है इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है बाबू, और पहला पद की विशेषता बतलाई जाती है, जो पहला पद की विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। तो इस बात को आप लोग एकदम बारीकी से समझिएगा, जब तक नहीं समझिएगा कर्मधारय समास नहीं समझ पाइएगा। इसमें आपका द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद क्या प्रधान होता है, क्योंकि द्वितीय पद का ही विशेषता बतलाया जाता है। किस पद की विशेषता बतलाई जाती है, द्वितीय पद, जो भी रंग ढंग वेशभूषा बतलाया जाता है द्वितीय पद का बारे में बतलाया जाता है, वह काली है या गोरी है, वह नीला है या कैसा है, जिस स्वभाव का है बुरा है अच्छा है, जिस स्वभाव का है तो कौन है, तो आपका कौन है जी, ये सेकेंड वाला द्वितीय पद वाला है, कौन है, द्वितीय पद वाला है ना, तो द्वितीय पद वाला इसमें जो हुआ आपका मेन जो हुआ, और इसकी प्रधानता दिया जाता है, द्वितीय पद की क्या दिया जाता है, प्रधानता दिया जाता है। द्वितीय पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं, द्वितीय पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं, और कर्मधारय समास में आपको उत्तर पद की प्रधानता दी जाती है। कर्मधारय समास में क्या दी जाती है, उत्तर पद की प्रधानता दी जाती है, क्योंकि उत्तर पद का ही विशेषता बतलाया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि वह उत्तर पद की विशेषता को बतलाता है, और उत्तर पद की विशेषता को बतलाता है इसमें आपको गुण के बारे में बतला रहा है, तो किसका बतला रहा है, उत्तर पद के, और आपको द्वितीय पद के बारे में विशेषता बतला रहा है, इसीलिए यह कर्मधारय समास हुआ। और कर्मधारय समास की क्या पहचान है, कि जो द्वितीय पद कौन हो गया, जो संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता को बतलाए उसे कर्मधारय समास कहते हैं, उसमें प्रथम पद विशेषता को बतलाता है और द्वितीय पद संज्ञा को दर्शाता है, प्रथम पद विशेषता को बतलाता है, द्वितीय पद संज्ञा को बतलाता है, वही कर्मधारय समास होता है। अब आप समझ गए ना, चलिए हम आगे चलते। अब यहाँ जो आपका है अव्ययभी भाव समास है ना, क्या है, अव्ययभी भाव समास, तो अव्ययभी भाव में सबसे पहला पद जो होता है प्रधान होता है, अव्ययभी भाव में क्या होता है, सबसे पहला पद प्रधान होता है, उसमें पहला पद के ही प्रधानता दिया गया है ना। पूर्व पद जो होता है इसका क्या होता है, प्रधान होता है, पहला पद को क्या कहते हैं, पूर्व पद, और दूसरे पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद, है ना। तो इसमें जो पूर्व पद पहला पद होता है वो प्रधान होता है, और उसमें अव्ययभ जुड़ा होता है, क्या होता है, अव्ययभ जुड़ा होता है, अव्ययभी भाव समास कहलाता है। इसका पहला पद उपसर्ग होता है, पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो कहने का मतलब होगा, जिसके आगे देखिएगा आप ऐसा अ उपसर्ग जुड़ा हुआ हो, आ हो, अनु हो, प्रति हो, हर हो, भर हो, नी, नीर, यथा, यावत, परा इत्यादि जो लगा रहे, क्या चीज, उपसर्ग, उसको आप आंख मूंद के लगा दीजिएगा अव्ययभी भाव समास में, है ना। उपसर्ग और प्रत्यय, देखिए आप समास आज पढ़ रहे हैं लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय आपको जानना जरूरी है, तो हम आपको एक शब्द एक वाक्य में आपको हम समझा देते हैं उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं, आशा करते हैं समझ जाइएगा आप लोग। तो उपसर्ग में किसी शब्द के पहले जब कोई शब्द को जोड़ा जाता है, किसी अव्ययभ को पहले जोड़ा जाता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं, और किसी शब्द के बाद कोई अव्ययभ को जोड़ा जाता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें जो है आपको पहले जोड़ा जाएगा उपसर्ग, इसमें जोड़ा जाएगा, क्या जोड़ा जाएगा, उपसर्ग जोड़ा जाता है, पहला पद उपसर्ग होता है, पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है, और इसमें पहले उपसर्ग जोड़ा जाएगा। अब इसमें देखिए इसका जो परिभाषा हो गया, इस तरह से आप दे सकते हैं कि इसका पहला पद जो होगा प्रधान होगा,
और इसमें पहला पद उपसर्ग होता है और दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद जो होगा आपका उसका शब्द रहेगा, क्या रहेगा, शब्द रहेगा, तो उस शब्द संज्ञा रहेगा, क्या रहे? संज्ञा रहे, विशेषण रहे, कुछ भी रह सकता है, समझ गए ना, इसमें लिमिट नहीं है। तो इसमें जो हो गया शब्द की पुनरावृत्ति भी अगर होती है, शब्द की पुनरावृत्ति भी होती है तो वो क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। पिछला वाक्य ने आपने पढ़ा है दिन और रात लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, दिन और रात, दिन और रात लिखा हुआ था, वो आप पढ़े थे, वो क्या था, दिन और रात क्या था जी, दिन और रात आपने पढ़ा था ना, तो दिन और रात जो था समास में आता था, और उसी का उल्टा यहाँ है, उसी का उल्टा, वहां दिन और रात, दिन के उल्टा रात बता रहा था तो वो समास हो गया, और यहाँ जो है आपको रातों रात बता रहा है, घर घर बतला रहा, मतलब यही शब्द दोबारा रिपीट हो रहा है, वही शब्द क्या हो रहा है, दोबारा रिपीट हो रहा, तो वही शब्द जब दोबारा रिपीट हो तो वह आपको अव्ययी भाव समास कहलाएगा, समझ गया ना, क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। और जब रिपीट नहीं हो, उल्टा हो, जैसे आपको बताए थे दिन रात, दिन या रात, दिन के उल्टा रात, तो ये द्विगुण, दोनों में गुण है, द्विगुण, दो प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे के पास लड़ने की क्षमता है, तो वो द्विगुण कहला जाएगा, क्या कहलाएगा, द्विगुण समास कहला जाएगा, जब एक दूसरा का विपरीत रहेगा, और वही अक्षर जब रिपीट होगा दोबारा वही शब्द आएगा तो आपको अव्ययी भाव समास आएगा। तो यहाँ अगर आपको इस तरह से रहे दिन और रात ऐसे करके इंडिकेट रहे तो कहेगा ये कौन सा समास है बाबू, तो क्या कहिएगा, द्विगु समास है। अगर आपको रहे, अगर यही रहेगा दिन दिन, दिन और दिन, तो आपको क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। रात रात रहेगा क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। घर घर रहेगा क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। लेकिन वही दिन और रात रहेगा, गरीब अमीर रहेगा, सुबह शाम रहेगा, एक दूसरा का उल्टा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो अब आपने समझ लिया अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और उसमें क्या उपसर्ग जुटता है, क्या जुटता है, उपसर्ग जुटता है, या कोई शब्द दोबारा रिपीट होता है, कोई शब्द दोबारा पुनरावृत्ति किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। दिमाग में सीधे घुसा लीजिए, अगर नहीं घुसता है ना तो 10 आदमी के सामने नहीं पढ़िए, एकांत में जाकर के बैठ के ध्यान लगा के पढ़िए, आपको एकदम याद हो जाएगा दोस्तों, एकदम एकांत में जाकर के बैठ के पढ़िए, 10 आदमी के सामने पढ़िएगा, आपका दिमाग में नहीं हटेगा, शांति दिमाग से कोई चीज सोचिए नहीं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ और ध्यान लगाए हुए हैं कि जाएंगे कल तो दोस्त के साथ ऐसे बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये दिमाग से हटा दीजिए और दिमाग को पूरी तरह से आप केंद्रित कीजिए, कहाँ, आप अपने सब्जेक्ट पर रहे, आप अपने लेसन पर, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस पर पूरा ध्यान एकत्रित कीजिए, और ध्यान एकत्रित करके जब हम इस विषय को जानेंगे तो आपको हम आशा करते हैं कि जरूर से जरूर आप समझिएगा, और जरूर से जरूर कब समझिएगा, जब पूरा के पूरा ध्यान आप केंद्रित कीजिएगा यहाँ, तब अगर आपका पूरा का पूरा ध्यान यहाँ केंद्रित नहीं होगा तो आप नहीं समझिएगा, अगर आपका पूरा का पूरा ध्यान यहाँ केंद्रित हो जाएगा तो पूरा के पूरा आपके दिमाग में ऐसा ही उतर जाएगा, समझ गया ना। तो देर किस बात की, फिर अव्ययी भाव समास के बारे में फिर से हम आपको बतला देते हैं कि जिसका पहला पद क्या हो, प्रधान हो, जिसका पहला पद क्या हो, प्रधान हो, जिसका पहला पद क्या हो, उपसर्ग हो, जिसका पहला पद क्या हो, उपसर्ग हो, और एक ही शब्द दोबारा रिपीट हो, एक ही शब्द क्या हो, दोबारा रिपीट हो, वह शब्द क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे अजन्म, जैसे यहाँ एक शब्द आ गया, क्या बाबू, अजन्म आ गया, अजन्म का मतलब होता है जन्म से लेकर, अजन्म का मतलब क्या होता है, जन्म से लेकर, मतलब जब से पैदा हुआ तब से, जब तक नहीं मरता तब तक, उसको क्या कहते हैं, अजन्म। अजन्म में क्या आ जाता है, पहले आय आ जाता है, और जन्म जो हो गया आपका क्या हो गया, शब्द हो गया, और उसमें जो ये उपसर्ग, यही है उपसर्ग बाबू, आपको बोले थे ना कि उपसर्ग इसमें जुड़ता है, यही है उपसर्ग, यही है आ, यही उपसर्ग है इसमें, आपको बताया था ना कि जिस पद में उपसर्ग हो, कौन सा, अ रहे, आ रहे, अनु रहे, प्रति रहे, हर रहे, भर रहे, नी रहे, नीर रहे, यथा रहे, यावत रहे, प्र रहे, वहां आंख मुन के अव्ययी भाव समास में आप ट्रिक लगा दीजिएगा, वो आपका हर हाल में अव्ययी भाव का समास हो जाएगा,
ना। तो आ जन्म इसमें आ क्या है, उपसर्ग हो गया। अब अनुकूल है, अनुकूल का अर्थ होता है मन के अनुसार, मन के अनुकूल, अपने अनुकूल है ना। तो अनुकूल का मतलब हो गया मन के अनुकूल। किसी भी समास में क्या बतला रहे हैं, संक्षेपण। संक्षेपण कब होगा, जब किसी को तोड़ना जानिएगा, नहीं टूटता फिर भी उसको तोड़िए, जब तक तोड़िएगा नहीं जब तक आपका समास बिगड़ा होगा नहीं, और समास बिगड़ा नहीं होगा तब तक आप समझ नहीं पाइएगा। ये नोट कर लीजिए और इसको नोट करिएगा, तब जब आप तोड़िएगा, तब आप जब तोड़ लीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक समास की जानकारी हो जाएगी। अब चलिए अनुकूल के बारे में आप जान लिए, अनुकूल के बारे में नहीं जाने तो जानिए, अनुकूल मतलब होता है मन के अनुसार, है ना। मन के अनुसार जब अनुकूल को तोड़िएगा, संधि विच्छेद कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, अनुजोड़ कूल। क्या होता है बाबू, अनुकूल जोड़, अनुजोड़ कूल। तो कूल जो आपका शब्द हो गया, क्या हो गया, शब्द हो गया, कूल आपका शब्द हो गया, और इसमें जो आपका क्या हो गया, अनुज हो गया, उपसर्ग हो गया। क्या हो गया जी, अनुज हो गया, क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। ये अनु क्या है जी, उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब क्या होता है, जो पहले जुड़ता है, जो अव्यय पहले जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और इसमें कुल के पहले क्या है, अनु आया है, तो ये अनु क्या है, उपसर्ग है। और जिस शब्द के पहले आपका उपसर्ग जुड़ता है वो क्या होता है, अव्यय विभाव समास होता है। जिसके पहले अव्यय जुड़ता है क्या होता है, अव्यय विभाव समास होता है। जिसका पहला पद प्रधान होता है वो क्या होता है, अव्यय विभाव समास होता है। अब चलिए हम चलते हैं प्रतिदिन। प्रतिदिन मतलब क्या होता है, प्रत्येक दिन। प्रतिदिन मतलब क्या होता है, प्रत्येक दिन। इसमें पहले क्या है, प्रति, अजोड़ क्या है, दिन, प्रति जोड़ दिन। इसमें प्रति क्या है बाबू, उपसर्ग है। प्रति क्या है, उपसर्ग है। यहाँ बताया गया है प्रति कहीं होगा, देखिए ये प्रति क्या है, उपसर्ग है। और दिन में जैसे ही प्रति उपसर्ग जुट गया, ये आपका अव्यय विभाव समास हो गया। क्या हो गया, अव्यय विभाव समास हो गया। रातों रात, रातों रात, रातों रात, रातों रात, रातों रात में क्या आपको मिल रहा है, रात रात रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रातों रात में रात रात रिपीट हो रहा, दोबारा आ रहा है रात, तो रात फिर रात, रात फिर रात। तो ये बार बार शब्द जो एक ही शब्द दोबारा रिपीट होना, अव्यय विभाव समास कहलाता है। घर घर, घर घर, हर घर, हर घर, या कहिए घर घर, ये क्या हो रहा है, घर बार बार दोहराया जा रहा है। और जब बार बार दोहराया जा रहा है तो ये आपका क्या है, अव्यय विभाव समास है। तो अव्यय विभाव समास के बारे में आप जान गए ना, कि जिसका पहला पद क्या हो, जिसका पहला पद प्रधान हो, और उसमें क्या उपसर्ग अव्यय जुटता हो, क्या जुटता हो, उपसर्ग अव्यय जुटता हो, वह क्या कहलाता है, अव्यय विभाव समास कहलाता है। और जिसमें क्या जुटता हो, वही शब्द दोबारा रिपीट होता हो, वह क्या कहलाता है, अव्यय विभाव समास कहलाता है। और उसमें अ आ अनु प्रति हर भर नी नीर यथा यावत परा, ये सब शब्द उपसर्ग में जुड़ा हुआ देखिएगा, आंख मुन के कह दीजिएगा कि दोस्तों ये अव्यय विभाव समास है। और अव्यय विभाव के समास के बारे में आपको जानकारी दे दिए। अब चलते हैं बहुव्रीहि, ये आपको आप जो बताने जा रहे हैं बहुव्रीहि समास है। क्या है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि का मतलब होता है बहुत वृद्धि, बहुव्रीहि का मतलब होता है बहुत वृद्धि। और इसको बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा, इसमें क्या कहा गया है कि जिस पद में दोनों पद में कोई प्रधान न हो और तीसरा पद प्रधान हो जाता है। इसमें न पहला पद प्रधान है न दूसरा पद प्रधान है, प्रधान है तो कौन है, तीसरा पद प्रधान है। जो बनता उससे है विग्रह करने पर वही पद प्रधान हो जाता है ना। न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, होता है तो कौन है, तीसरा पद प्रधान हो जाता है। ये बहुव्रीहि समास का आपको हो गया परिभाषा। जिस पद में दोनों पद में कोई प्रधान ना हो और तीसरा पद प्रधान हो, बहुव्रीहि पद कहलाता है। ये तो आप समझ गए। अब चलिए, जिसका विग्रह करने पर बाला है, जो जिसका ये शब्द आ जाए तो समझिए कि वह क्या है, बहुव्रीहि समास है। क्या आ जाए, वाला है जो जिसका, बाला है जो जिसका या जिसकी, जिसके, वह, इतना अगर विग्रह करने पर कोई भी इसका आ जाता है शब्द, तो वह समझ लीजिएगा कि बहुव्रीहि समास है। क्या समझ लीजिएगा, बहुव्रीहि समास है। इसने बहुत बरकत दिया, बहुत बहुत किया है। और बहुव्रीहि समास में सबसे पहले एक चीज आप नोट कर लीजिएगा कि बहुव्रीहि समास में जो भी शब्द आता है वह संसार में अकेला होता है। वह क्या होता है, संसार में अकेला होता है, अद्वितीय उसका नहीं कोई होता है। वह अद्वितीय अपने आप पे क्या होता है, अद्वितीय होता है। कैसे होता है, जो हम देखिए बताते हैं आपको। इसका पहले परिभाषा पढ़ लीजिए,
बहुव्रीहि समास जिस पद में दोनों पद प्रधान न होकर तीसरा पद प्रधान हो वह क्या कहलाता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जिसके विग्रह करने पर बाला है, जो जिसका जिसकी जिसके वह इत्यादि आए तो वह बहुव्रीहि समास कहलाएगा। जिसमें भगवान का नाम हो या वैसा दूसरा कोई न हो, वैसा अद्वितीय कोई है ये नहीं हो, वह क्या कहलाता है जी, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। अब चलिए कुछ उदाहरण देकर हम समझते हैं कि ऐसा हकीकत है या फॉल्स में लिखा हुआ। तो चलिए हम चलते हैं उदाहरण की ओर। तो जब उदाहरण में हमने गजानन का नाम लिया, किसका लिया, गजानन का नाम लिया, तो गजानन का मतलब क्या होता है, गज का यानन, गज का यानन। गज किसको कहते हैं आपको पता है, पढ़ते हैं तो जरूर पता होगा जी, गज कहते हैं हाथी को। क्या कहते हैं, हाथी को। गलत को तो मैंने नहीं ना बोला, नहीं तो चलिए गज कहते हैं किसको, हाथी को। तो गज का यानन, आनंद मतलब क्या होता है, मुंड। आनंद मीन्स क्या होता है, मुड़ी, है ना। आनंद मीन्स मुख जिसको बोलते हैं, मुड़ी मुंडी जो कह दीजिए, मुख है ना, सर है ना, वो जिसका गज का आनंद है। आज तक धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो मनुष्य है पर उसका सर जो है किस चीज का है, हाथी का है। बट एक है वैसा है जिसको भगवान का रूप दिया गया है और वह क्या कहलाता है, गणेश कहलाते हैं। जिसका कौन कहलाते हैं, गणेश कहलाते हैं। तो गज है जिसका आनंद, वह कहलाता है गजानन। गज है जिसका आनंद, कहलाता है गजानन, और वह बहुव्रीहि समास हो गया। क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया, क्योंकि गजानन में गज और आनंद जब हम तोड़ते हैं, गज और आनंद, तो ये न गज प्रधान है न आनंद प्रधान है। प्रधान है तो कौन है, गणेश प्रधान है ना। प्रधान है तो कौन है, गणेश प्रधान है। न गज पर इसको जब तोड़ते हैं तो गज जोड़ आनंद, तो न गज प्रधान है न आनंद प्रधान है, है तो तीसरा पद प्रधान गणेश है। उसी तरह त्रिकोण, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का मतलब होता है क्या चीज, तीन नेत्र है जिसके। इसको जब हम समास विग्रह करेंगे त्रिनेत्र को, तो क्या लिखेंगे, त्रिनेत्र है जिसके। आ जाएगा आपको परीक्षा में कि त्रिनेत्र को आप समास विग्रह करें तो आपको इस तरह से लिखना होगा, तीन नेत्र है जिसके। शिव कौन है जी, शिव है। तीन नेत्र है जिसके वो कौन है, शिव है ना। तो धरती पर तो शिव के छोड़ करके कोई नहीं है त्रिनेत्र वाला, नहीं ना है। क्या हमने बताया था कि खा भगवान का नाम हो वैसा दूसरा कोई नहीं हो, क्या हो, कोई नहीं हो, वह कहलाता है बहुवृद्धि, मतलब बहुत बहुत वृद्धि किया हुआ। ऐसे भी याद रखिए कि बहु वृद्धि का मतलब क्या होता, बहुत वृद्धि किया हुआ, इतना वृद्धि किया हुआ कि उसका टक्कर का कोई है ही नहीं है। वैसा शब्द को सीधे बहुवृद्धि समास मान लीजिएगा। वैसा पद जो दो पद को मिलने से तीसरा पद का निर्माण होता है, और वह ऐसा ऐसा निर्माण होता है कि वह प्रधान है और उससे बढ़ के कोई है ये नहीं है, उससे बढ़कर कोई है ये नहीं है, तो वह बहुवृद्धि है। जैसे आपका आ जाएगा गजानन हो लिखा रहेगा, त्रिनेत्र लिखा रहेगा, नीलकंठ नील है जिसका कंठ, वो भोलेनाथ है। भोलेनाथ के छोड़ के आप किसी का कंठ नीला है जी, उनका कंठ नीला क्यों हुआ ये आप तो जानते होंगे। जब आपका कैसे हुआ, जो उन्होंने 20 का अर्पण किया था समुद्र मंथन के द्वारा, सबने क्या पिया था, अमृत, और इन्होंने पिया 20, तो सब रह गए देव, ये क्या हो गए, महादेव। तो जब ये हो गए महादेव तो इनका कंठ हो गया नीला, इसीलिए इनका नाम पड़ गया नीलकंठ। क्यों नाम पड़ गया नीलकंठ, तो नील है, नीला है जिसका कंठ कौन हुए, नीलकंठ। नीलकंठ कौन हुए जी, भोलेनाथ हुए, सबके नाथ भोलेनाथ, कौन हुए, सबके नाथ भोलेनाथ हुए। तो नीलकंठ नीला है जिसका कंठ कौन हुए, भोलेनाथ हुए। तो आओ कोई धरती पर ऐसा नहीं है जिसका कंठ नीला है ना। दशानन, दशानन का समास विग्रह करेंगे तो दस है आनंद जिसके, दस है आनंद जिसके। क्या कहते हैं उसको, रावण। दस मुख वाला, दस आनंद वाला, दस सर वाला कोई आदमी आज तक धरती पर रहा है, नहीं रहा, तो सिर्फ एक नाम था, कौन था वह, रावण। कौन था जी, रावण। जो कौन था रावण, कौन था जी, रावण पंडितों में महाविद्वान पंडित था। आज उसे राक्षस कहिए चाहे जो कहिए, पर विद्वान महाज्ञानी पंडित था वह, बहुत उसके अद्वितीय ज्ञानी आज तक पंडित न कोई हुआ न होगा, ये याद रखेगा।
महान विद्वान पंडित था कौन? दशानंद रावण, समझ गए ना? चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब जिसकी चार भुजा हो। सबके चार भुजा है जी, चार भुजा मतलब चार बांह किसी के पास है, लेकिन एक है वैसे जिनको देव के रूप दिया गया है और वो विष्णु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विष्णु कहलाते हैं, और चतुर्भुज चार भुजाओं वाला विष्णु कहलाए। अब देखिए इसमें तो ये हम आपको इस तरह से बतला दिए, अब हमने बतलाया था क्या चीज कि जिसको विग्रह करने पर बाला है जो जिसका आ जाए, है ना? तो गज का आनंद है जिसका, गज का आनंद है जिसका, तो है जिसका आया, है जिसका आया ना जी, है जिसका यहां आया कि नहीं? हमने क्या बोला था, नोट कर लीजिए कि जिसको विग्रह करने पर है जिसका या जो जिसका है, जिसकी जो जिसकी आ जाए। कहने का मतलब हुआ है जो आ जाए, है जिसका आ जाए, है जिसकी आ जाए, है जिसके आ जाए, ये कुछ भी आ जाए, है ना? है जो, है जिसका, है जिसकी, है जिसके, है वह, ऐसा शब्द रहे तो वो सीधे जान लीजिए कि बहुव्रीहि समास है। क्या है? बहुव्रीहि समास है। तो त्रिनेत्र को जब हमने तो गजानन को हमने तोड़ा तो क्या लिखे कि गजानन गज का आनंद है जिसका, गज का आनंद है जिसका, तो है जिसका यहाँ आ गया, जैसे क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र है जिसका, त्रिनेत्र है जिसका। यहाँ भी देखिए ये है जिसका यहाँ है ना आपका, तो ये जो है आपको बहुव्रीहि समास आएगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यहाँ जिसका आ गया, क्या आ गया जी? जिसका आ गया, है ना? तो जिसका आ गया यहाँ, जिसके भी आ गया, जिसके आ गया तो भी बहुव्रीहि है, जिसके आ गया, जिसका आ गया वो भी क्या है? बहुव्रीहि है, है ना? दशानंद, दस है आनंद जिसके, दस है आनंद जिसके, वो भी क्या हो गए? दशानंद हो गए, बहुव्रीहि समास हो गए। चतुर्भुज चार भुजाओं बाला, क्या बताए थे जी कि जहां बाला भी हो, क्या हो? बाला हो। यहाँ क्या आ गया? चार भुजाओं बाला आ गया, यहाँ बाला भी आ गया, यानी ये भी जो है आपका क्या है? बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि समास का परिभाषा फिर से आप जान लीजिए कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, तो जिसका पहला पद और दूसरा पद दोनों नहीं हो, क्या हो? प्रधान। जिसका पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान नहीं हो, और प्रधान हो तो कौन हो? तीसरा पद। तो जिसका पहला पद और दूसरा पद प्रधान ना हो और तीसरा पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। और बहुव्रीहि समास में हमेशा उदाहरण जो पड़ता है किसका पड़ता है? जो धरती में कोई अद्वितीय नहीं हो, एट हिंदी में हम आपको बता देते हैं, जो धरती में कोई अद्वितीय नहीं हो, अद्वितीय मतलब उसके जोड़ का, उसके टक्कर का कोई ना हो, वह संसार में अकेला जो होता है वही बहुव्रीहि समास कहलाता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, और जब नोट कर लिए तो हम आशा करते हैं कि आपको याद हो गया। अब जो बचा था, क्या बचा था जी आपको? इसमें बचा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बारे में अब हम आपको विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। इसमें जो आपको उसके छह रूप है, कितने रूप है? छह रूप है। अब हम आपको उसको छवो रूप के बारे में विस्तार पूर्वक ध्यान देंगे। देखिए वीडियो स्किप करके कभी भागने का कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज देर है पर दुरुस्त है, देर है पर दुरुस्त है। अगर आपको पसंद पड़ रहा है तो लाइक अभी के अभी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को, ताकि जो भी नया वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसमें आपको हम अब जो बताने जा रहे हैं, जिनको उब गए हैं पढ़ाई से वो जा सकते हैं, लेकिन जो मेधावी छात्र हैं, जो बढ़िया छात्र हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो स्किप ना करके चलिए अब तत्पुरुष समास को, जिसको हमने पेंडिंग करके रखा था, तत्पुरुष समास के बारे में पूरी परिपक्वता के साथ जानते हैं। और आज हम यह कायम करके दिखा देंगे कि समास क्या है, और समास के बारे में ऐसा आपके दिमाग में हम डाल देंगे कि जिंदगी में कभी ना भूलिएगा। बहुत से लोग कहते हैं, लिख देते हैं यूट्यूब पर कि आज जो हम बता रहे हैं आप जिंदगी में ना भूलिएगा, लेकिन आज हम आपको हकीकत करके बता रहे हैं, आप जिंदगी में हकीकत में समास नहीं भूलिएगा। इसी बात पर चलते हैं अब आपको तत्पुरुष समास की ओर। यहाँ अब अंतिम जो बच गया था तत्पुरुष समास था,
वो तत्पुरुष समास के बारे में अब हम पूरी तरह से जानते हैं और पूरी तरह से तत्पुरुष समास के बारे में जान लेंगे। तो चले तत्पुरुष समास की ओर। तो तत्पुरुष समास कहते किसको है? तो जिस शब्द का उत्तर पद यानी दूसरा पद, उत्तर पद किसको कहते हैं? दूसरा पद को कहते हैं उत्तर पद प्रधान हो। तत्पुरुष समास में क्या पद प्रधान होता है जी? उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कौन प्रधान होता है? उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होता है। और कारक चिन्ह जो होता है वो लुप्त होता है। लुप्त मतलब दिखाई नहीं पड़ता। क्या होता है? कारक चिन्ह जो होता है लुप्त होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। तो जिस शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और कारक चिन्ह लुप्त हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें पहला पद विशेषण होता है। पहला पद विशेषण संज्ञा भी होता है। पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है ना? इसमें पहला पद क्या होता है जी? संज्ञा या विशेषण होता है। पहला पद क्या होता है? संज्ञा या विशेषण। और कर्ता एवं संबोधन कारक का चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। इसमें कर्ता के जितने भी कारक हैं, कारक जितने भी हैं सब का प्रयोग होता है। पर कर्ता और संबोधन जो शुरू वाला जो होता है कर्ता ने और जो अंत वाला होता है संबोधन हे अजी अरे, ये दोनों को छोड़कर जितना भी कारक है सब का प्रयोग इसमें होता है ना? जितना भी कारक है हम लोग पढ़े हैं सब का प्रयोग होता है। तो हम लोग कारक जो भी पढ़े हैं उसमें से कर्ता और संबोधन को हटा दीजिए। हम लोग कितने कारक पढ़े हैं? कारक आठ, विभक्ति आठ है ना। कारक किसे कहते हैं? हमने बना रखा है बना रखे हैं अब टीचिंग नारायण जेपी में। कारक किसे कहते हैं आप सर्च कीजिएगा आपको आ जाएगा है ना। तो कारक कितने? आठ हो गए। कारक कितने हो गए? आठ हो गए। तो जब कारक आठ हो गए तो कारक आठ में से क्या कहता है कि आपको कर्ता एवं संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है। तो कर्ता कर्म करण संबंध करण अधिकरण संप्रदान अपदान संबोधन में से कर्ता और कर्म हट गया। कर्ता और कौन हट गया जी? संबोधन हट गया। तो कौन बच गया? कर्म बच गया, संबंध बच गया, करण बच गया, अधिकरण बच गया, संप्रदान बच गया और अपादान बच गया। ये छवों का आपका चिन्ह का प्रयोग होता है। तो छवों का चिन्ह क्या है जी? तो छवों का चिन्ह जो हो जाएगा का, की, को, के लिए, में, पर, से। जिस पद में का के की को के लिए में पर से शब्द लुप्त रहे और उसका आभास आपको हो कि इसमें ऐसा है तो आंख मुन के कह दीजिएगा कि यह तत्पुरुष समास है। क्या कीजिए? कह दीजिएगा तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास के कुछ हम उदाहरण आपको यहां दे रहे हैं। यहां ध्यान से देखिए, गंगा जल। तो गंगा जल ये जल किसका है जी? गंगा की जल है। ये जल जो है किसकी है? गंगा को है। तो यहाँ क्या बतलाया गया था बाबू? जिस शब्द का दूसरा पद प्रधान हो। जिस शब्द का दूसरा पद प्रधान हो। तो यहाँ कहिएगा कि सर जी ये आप जल इसमें प्रधान किए, गंगा को क्यों नहीं प्रधान किए? आप कह सकते हैं ऐसा बात कि सर जी आपने जल को प्रधान किया, गंगा को प्रधान आपने क्यों नहीं किया, जबकि गंगा तो सबसे पवित्र नदी है ना। लेकिन यहाँ क्या बतलाया गया है बाबू कि आपको यहाँ पहला पद विशेषण होता है। पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है। मतलब विशेषता बतलाता है किसका? दूसरे पद की विशेषता बतलाती है। पहला पद जो होता है वो किसी के गुण को बारे में प्रकट कर रहा है। गंगा जरूर है आपका इससे ज्यादा महत्तम गंगा का, लेकिन गंगा जल की महत्ता को बढ़ा रही है। किसके गुण को बढ़ा रही है? जल के गुण को बढ़ा रही है कि जल है तो भाई कैसा है? तो जल है तो आपको गंगा की जल है। जल है तो कहाँ से लाई गई है? तो जल बाबू गंगा से लाई गई है। तो यहाँ क्या विशेष गुण को बढ़ा रहा है? जल के विशेष को गुण को बढ़ा रहा है। तो यहाँ प्रधान कौन हुआ जी? जल प्रधान हुआ। और जब जल प्रधान हुआ तो आपका ये गंगा क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या हो गया जी? विशेषण हो गया। तो पहला पद क्या बताए थे बाबू? कि जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद प्रधान हो। तो ये जल जो हो गया आपका क्या हो गया? प्रधान हो गया। कि क्योंकि हम जल के ही हमें आवश्यकता है। किस चीज की हमें आवश्यकता? जल की ही आवश्यकता है। बट
उसकी विशेषता जो बतला रहा है, उसकी महानता बतला रहा है कि वह जल लाया गया तो कहां से लाया गया, तो गंगा का जल है, वो गंगा से लाया गया है। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका विशेषता हो गया, ये इसका क्या हो गया जी, ये इसका विशेषता हो गया। गंगा क्या बतला रहा है, विशेषता को बतला रहा है। किसकी विशेषता को बतला रहा, जल की विशेषता को बतला रहा है। तो जल यहाँ क्या हो गया, जल यहाँ प्रधान हो गया, क्या हो गया, प्रधान हो गया, और गंगा क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो ये जो हो गया इसको क्या लिखेंगे, प्रधान पद लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, प्रधान पद लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, विशेषण लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे जी, विशेषण लिखेंगे, है ना। तो ये प्रधान पद हो गया, तो ये दूसरा पद क्या हो गया यहाँ जी, प्रधान हो गया, और यहाँ विशेषण कौन हो गया जी, गंगा हो गया। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि जिस शब्द का दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, और पहला पद क्या हो, विशेषण हो। तो यहाँ आपका पहला पद क्या हो गया, पहला पद आपको जो हो गया विशेषण हो गया, और दूसरा पद प्रधान हो गया। चलिए दूसरे में देखते हैं, देशभक्ति, देश की भक्ति, देश की भक्ति, भक्ति यहाँ जो जताया जा रहा है, क्या जताया जा रहा है, कि वह भक्त भक्त है, भक्त है तो किसका भक्त है भाई, भक्त तो सही में है लेकिन भक्त है तो किसका है, तो देशभक्त है, किसका है, देशभक्त है, भगवान भक्त है, किसी का भी तो भक्त है, तो जिसका भी भक्त है वो उसका क्या विशेषण बतला रहा है। तो भक्त जो हो गया ये आपका प्रधान हो गया, ये क्या हो गया, प्रधान पद हो गया, और देश की भक्ति ये देश जो हो गया आपका क्या हो गया जी, ये आपका विशेषण हो गया, क्या हो गया, विशेषण हो गया। यहाँ राज्यसभा जो है, राज में सभा लग रहा का क्या लग रहा, राज में सभा लग रहा, तो सभा लग रहा है तो कहाँ लग रहा है जी, राज में लग रहा है, कहाँ लग रहा है, राज में लग रहा है। तो सभा कहाँ लग रही है, तो राज में लग रही है, तो ये विशेषता बतला रहा किसका, सभा का विशेषता बतला रहा है। चरम रोग है तो क्या है जी, रोग है तो क्या है, रोग है, पर रोग है तो कहाँ है, चमड़े में है, कहाँ है, चमड़े में रोग है। तो जब चमड़े में रोग है तो ये विशेषता रोग का विशेषता बतला रहा है। यहाँ जो ये यहाँ जो प्रधान आपका हो गया पद जो हो गया ये रोग हो गया, और है तो कहाँ है, चमड़े में है, तो ये चमड़ा रोग का क्या बतला रहा, विशेषता बतला रहा, क्या बतला रहा, विशेषता बतला रहा। जल धारा, जल पर धारा, जल पर धारा, तो इसको हम फिर बाद में बतलाते हैं। यहाँ देखिए जल की धारा, तो ये धारा है, ये प्रधान हो गया, क्या है, धारा है, धारा है तो कहाँ है, जल पर है, कहाँ है जी, जल, ये जल जो हो गया विशेषता बतला रहा किसका बतला रहा, धारा का। तो धारा जो क्या हो गया, क्या हो गया, प्रधान पद हो गया, और उसकी विशेषण जो हो गया ये क्या हो गया, द्वितीय, ये आपका क्या हो गया, पहला पद हो गया, क्या हो गया जी, पहला पद हो गया। तो पहला पद इसमें प्रधान नहीं होता है, प्रधान होता है तो कौन होता है, द्वितीय प्रधान होता है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, वह पीड़ित है, वह क्या है, पीड़ित है, पीड़ित है तो कैसे पीड़ित है बाबू, तो वह अकाल से पीड़ित है, अकाल इसके गुण को बतला रहा है, आकाश क्या, अकाल क्या बतला रहा है, उसके गुण को बतला रहा है कि वह पीड़ित है, तो अकाल से पीड़ित है, अकाल उसके गुण को क्या कर रहा, बतला रहा है ना। धर्म ग्रंथ, ग्रंथ है, क्या है बाबू, ग्रंथ है, ये आपका प्रधान पद है, ग्रंथ है, क्या क्या है, प्रधान पद है, और ग्रंथ है तो कैसा ग्रंथ है, किस चीज का ग्रंथ है, गणित का ग्रंथ है, बायोलॉजी का ग्रंथ है, किस चीज का ग्रंथ है, तो ग्रंथ है तो धर्म का ग्रंथ है, किस चीज का ग्रंथ है बाबू, धर्म का ग्रंथ है, और धर्म का जब ग्रंथ हुआ तो ये विशेषता बतला रहा, धर्म क्या बतला रहा है बाबू, विशेषता बतला रहा। राजा का पुत्र, पुत्र है तो किसका है, राजा का पुत्र है, पुत्र है तो किसका है, राजा का पुत्र है, पुत्र जो हो गया प्रधान पद हुआ, क्योंकि प्रधान पद की पुत्र का विशेषता बतला रहा, पुत्र प्रधान क्यों हुआ, क्योंकि पुत्र का ही विशेषता बतलाया जा रहा है, और पुत्र है तो किसका है, तो राजा का है, तो राजा जो क्या हो गया है आपको, राजा जो हो गया विशेषण हो गया, राजा यहाँ क्या हो रहा, विशेषण, इसे कर्ता मत समझिएगा, ये सबको, ये सबको सीधे विशेषण समझिएगा, ये इसकी विशेषता को बतला रहा है, इसीलिए ये सब क्या हो गया बाबू, विशेषण हो गया। और जो किसी शब्द की विशेषता बतलाती है वह तत्पुरुष समास में आता है। अब तत्पुरुष समास में आपका ये जान गए कि जिस शब्द का उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, और कारक चिन्ह लुप्त होता है। अब कारक चिन्ह के बारे में बतलाते हैं। पहले तो हम आपको बता दिए कि विशेषता इस शब्द को हमने सिद्ध किया कि जिस शब्द का दूसरा पद
प्रधान हो। इसमें बाबू दूसरा जितना भी पद है क्या है, प्रधान है, और कारक चिन्ह लुप्त होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। तो सबसे पहले यहाँ क्या होता है कि इसका पहला पद विशेषण होता है बाबू, पहला पद क्या होता है विशेषण होता है, कर्ता भी होता है, कर्ता होता है संज्ञा, सॉरी संज्ञा होता है, क्या होता है संज्ञा होता है। तो यहाँ जो गंगा, देश, राज, चर्म, जल, अकाल, धर्म, राजा, ये सब क्या है बाबू, विशेषता बतला रहा, विशेषता तो जरूर बतला रहा विशेषण है, पर है क्या चीज संज्ञा है, है क्या चीज संज्ञा है। इस चीज को नोट कर लीजिए, कहीं किताब में ये लिखी ना मिलेगी पर दिमाग में नोट कर लीजिए इसको, जब तक दिमाग में नोट ना कीजिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। यह हम स्क्रीन बोर्ड पे आपको हम जब बतला रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि सर जी बक 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 ऐसे ही कर नहीं कर रहा, हम आप लोग के लिए बहुत कठिन बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। जब आप लोग सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करवाएंगे तो हम आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाएंगे और आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज देने का कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है, ये संज्ञा होते हुए क्या है बाबू विशेषण है, ये संज्ञा होते हुए क्या है विशेषण है, और संज्ञा होते हुए विशेषण है, और ये बीच में क्या है काके की लुप्त है। यहाँ काके की आपको दिखाई पड़ रहा है कहीं नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ काके की हकीकत में है, और यहाँ क्या बतला रहा कि कारक चिन्ह का की को के लिए मे पर से रहे तो वह तत्पुरुष समास है। तो यहाँ गंगा की जल, गंगा की, गंगा की जल, गंगा की जल, तो यहाँ की जो है क्या है जी आपका कारक चिन्ह है, कि यहाँ देशभक्ति, देश की भक्ति की है, यहाँ क्या चीज है कारक चिन्ह है, राजसभा, राज में सभा, यह क्या है जी कारक चिन्ह है, चर्म रोग, चर्म में रोग, ये क्या है जी कारक चिन्ह है, जल धारा, जल पर धारा, ये क्या है जी कारक चिन्ह है, धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, ये क्या है जी कारक चिन्ह है, धर्म में ग्रंथ देख लीजिए ये कारक चिन्ह है, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ये क्या है जी, यह क्या है आपका कारक चिन्ह है। तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया कारक चिन्ह हो गया, ये क्या हो गया बाबू कारक चिन्ह हो गया। तो इसमें ये पहला पद क्या हो गया, पहला पद संज्ञा होते हुए क्या है विशेषण है, पहला पद संज्ञा होते हुए क्या है विशेषता बतला रहा, दूसरा जो पद है प्रधान पद है, दूसरा जो पद है वो उसी के बारे में वर्णन है, जो दूसरा पद है उसी के बारे में वर्णन है, इसीलिए ये क्या हो गया प्रधान पद हो गया, और उसके बीच में जो आपका चिन्ह आ गया वो कारक चिन्ह हो गया। इस तरह से आपने तत्पुरुष समास के बारे में समझ लिया, पर अभी बाकी है, पर क्या बाकी है दोस्तों, इसके छह भेद हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अब चलिए हम क्षोभों के बारे में जानते हैं कि वो कैसे कैसे होते हैं, चलिए हम चलते हैं अब कर्म तत्पुरुष की ओर। अब देखिए तत्पुरुष समास में सबसे पहले जो आता है आपका कर्म तत्पुरुष होता है, क्या होता है कर्म तत्पुरुष, इसमें को चिन्ह लुप्त होता है, क्या होता है कर्ता में कर्म को, तो इसमें को चिन्ह जो होता है लुप्त होता है, जैसे मतदाता लिखा हुआ रहेगा, जैसे क्या लिखा हुआ रहे मतदाता लिखा हुआ रहेगा, तो मत को देने वाला मतलब वोट को देने वाला है ना, तो मत अपना मत को देने वाला क्या होता है मतदाता, तो इसमें क्या छुपा हुआ है जी को छुपा हुआ है, गिरह कट, गिरह को काटने वाला, गिरह जो गांठ रहता है उसको कहते हैं गिरह, तो गिरह को काटने वाला क्या कहलाता है गिरह कट कहलाता है, तो इसमें क्या छुपा हुआ को छुपा हुआ, इसमें क्या छुपा हुआ को छुपा हुआ, तो ये इस तरह का जो बात रहेगा मतदाता गिरह कट है ना, चिड़मार है ना, इस तरह से जो रहेगा ये कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। कर्म तत्पुरुष इसमें से चिन्ह लुप्त होता है, इसमें क्या होता है से चिन्ह लुप्त हो जाता है, जैसे जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, जन्मजात क्या हो गया जन्म से उत्पन्न हो गया, मुंह मांगा, मुंह से मांगा, गुणहीन, गुण से हीन, तो इसमें क्या हुआ देख रहा है ना, ये सो जो से जो है आपका लुप्त है, से क्या है लुप्त है ना, तो ये गुणहीन, गुण से हीन, मतलब ये जो गुण है इसके पास नहीं, गुण से हीन है, गुण से खत्म है, मुंह मांगा, मुंह से इसने मांगा,
जन्म जाती है, जन्म से ही उत्पन्न है, ऐसा है, जन्म जाता है ना। संप्रदान तत्पुरुष में हो जो होता है के लिए होता है और यह चिन्ह लुप्त होता है। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए चिन्ह लुप्त होता है, जैसे हथकड़ी, तो हाथ कड़ी, हथकड़ी को जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हाथ कड़ी, मतलब हाथ के लिए कड़ी है ना। सत्याग्रह, सत्याग्रह में को तोड़ेंगे तो सत्य, आग्रह तो सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि को जब तोड़ते हैं तो युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। इस तरह इसमें भी देखे, गिरह कट को काटे तो गिरह काटने वाला है ना, मतदाता मत देने वाला तो मत को देने वाला। इस तरह से आपने समझ लिया, कर्म तत्पुरुष के बारे में जान लिया, करण तत्पुरुष के बारे में जान लिया, संप्रदान तत्पुरुष के बारे में जान लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए आपादान तत्पुरुष क्या चीज है, आपादान तत्पुरुष चिन्ह में है, इसमें आप शेष का चिन्ह जो क्या होता है आपका लुप्त रहता है, बट से का इसमें जो चिन्ह लुप्त रहता है वो किसी चीज को अलग करता है, किसी चीज को क्या करता है, अलग करता है। और किसी चीज को जब अलग करता है तो कैसे करता है, जो देखिए धन हीन, यहाँ वाक्य को जोड़ रहा है, जो धन से हीन है, जो धन से क्या है, हीन है, उसके धन को छीन रहा है, अलग कर रहा है, उससे धन का संपर्क नहीं है, वो धन रहित है, क्या है, धन रहित है, धनहीन है, उसके पास धन नहीं है, तो क्या हो गया, इसमें धन को अलगाव करता है, ये किसी चीज को क्या करता है, अलगाव कर रहा, ये धन से अलगाव कर रहा। और यहाँ से का चिन्ह जो है क्या है, लुप्त है, भयभीत, वो भय से भीत है, भय से क्या है, भीत है, तो यहाँ भय से क्या कर रहा है, उसको दूर कर रहा। जन्मांध, वो जन्म से क्या है, अंधा है, यहाँ जन्म से वो क्या है, अंधा है। तो इस तरह से अब क्या हुआ, वो चिन्ह क्या कर रहा, दूर कर रहा, वो क्या कर रहा, अलगाव कर रहा। तो चलिए संबंध तत्पुरुष में हम देखते हैं, जहाँ का के की है वहां चिन्ह जो है किस तरह से लुप्त होता है। प्रेम सागर, यहाँ प्रेम सागर को तोड़िएगा तो प्रेम का सागर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रेम का सागर आ जाएगा। और का चिन्ह यहाँ क्या है, लुप्त है। दिनचर्या, दिन के चर्या, यहाँ के लुप्त है। भारत रत्न, यहाँ भारत का रत्न, यहाँ का लुप्त है। अधिकरण तत्पुरुष में आ जाइए, यहाँ में और पर लुप्त होता है। जैसे नीति निपुण रहे तो नीति में निपुण है, क्या है, नीति में निपुण है। आत्मविश्वास है तो आत्मा पर विश्वास है। घुड़सवार है तो वह घोड़े पर सवार है। इस तरह से आपने आपको तत्पुरुष समास के क्षोभ भेद के बारे में जान लिए। अब आशा करते हैं कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए फिर भी आप कम से कम कमेंट जरूर कीजिए, हम आपके कमेंट पर हमेशा ध्यान देते रहेंगे। अगर अच्छा लगे दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना महा जरूरी है, ईमानदारी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नहीं किए हैं तो फिर से कर दीजिए, सब्सक्राइब करने से हम लोग का मनोबल बढ़ता है। और हम यूट्यूब पर नया नया आप लोग के लिए कोशिश करते रहते हैं कि ऐसा वीडियो लापरद लाए जिससे आप लोग को फायदा हो, है ना। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिए मेरे दोस्त, सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जितने भी आपके दोस्त हैं सबको आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी के साथ शेयर करके कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट पर ध्यान देंगे। तब तक के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।